बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग आईकम पार्ट टू। आज हम करेंगे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2008 आ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ ₹50,000। मशीन खरीदी गई है 50,000 की, किस दिन? 1 जनवरी को। हाँ 1 जुलाई 2010। अब ये देखें, ये जो पहली मशीन हमने परचेज़ की है, ये हमने परचेज़ की है 1 जनवरी 2008 को। अब जो हम नेक्स्ट डेट एक आ गई है वो है ऑन 1 जुलाई 2010 इट बायज एडिशनल मशीनरी, यानी एक और मशीन परचेज़ कर ली गई है, कितने की? वर्थ ₹10,000 की। एंड ₹1,000 ऑन इट्स इरेक्शन, और इस पर जो इजाफी एक्सपेंस हुए हैं वो 1,000 के हैं, यानी 10,000 में 1,000 ऐड करेंगे और ये आपका बन जाएगा 11,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% per annum है। शो द मशीनरी अकाउंट, आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 5 years, 5 सालों के लिए, अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड। और मैथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड। हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए, हमने परचेज किया है मशीन, तो इस यहाँ ऊपर लिखेंगे मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट। अब जब हमने मशीनरी दी तो डेट क्या थी? 1 जनवरी 2008। यहाँ पर आएगा कैश, और फर्स्ट जो मशीन हमने परचेज की है वो है 50,000 की, तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000। और हम जो डेप्रिसिएशन लेंगे वो अमूमन साल के एंड पे ली जाती है, तो साल का एंड है 31 दिसंबर 2008, और यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन। अब 50,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेंगे 10% के हिसाब से, और आप मंथ देख लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 मंथ कंप्लीट साल बनता है, इसलिए आपको मंथ से ज़रूरत देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप क्या करें, 50,000 10% लें तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000। यहाँ पर दोनों साइड से देखें बड़ी रकम कौन सी है, तो यहाँ पर है 50,000, दोनों साइड से 50,000, यहाँ पर भी 50,000, और 50,000 में से 5,000 माइनस कर दो, यहाँ 45,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2009, क्योंकि वो 2008 और नेक्स्ट डे 2009, यहाँ पर आपका आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन 45,000। ईयर एंड 2009 डेप्रिसिएशन, और क्योंकि ये जो मेथड है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसलिए जो डेप्रिसिएशन लेंगे वो बैलेंस पर ही लेंगे, यानी 45,000 का 10%, और ये आपका आ जाएगा 4,500। दोनों साइड से आप क्या करें, जो रकम बड़ी है दोनों के नीचे वो आ जाएगी 45,000, यहाँ पर भी 45,000, इसमें से आप 4,500 माइनस करें तो 40,500 आपका बैलेंस आ जाएगा। ये आपके 2 साल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2010 बैलेंस ब्रॉड डाउन आ जाएगा, और बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा 40,500। अब हमने जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो डेप्रिसिएशन लेनी है 31 दिसंबर 2010 को, उससे पहले यानी 31 दिसंबर 2010 से पहले ही हमें क्या किया है, 1 जुलाई 2010 को हमने एक और मशीन परचेज कर लिया, तो पहले इसकी जो है वो एंट्री पास की जाएगी यहाँ पर लेजर में, तो ये इसी डेट पर, यानी जब भी आप चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पर ही आएगी, यानी 1 जुलाई 2010। यहाँ पर आएगा कैश, और कैश कितना आएगा? 10,000 की आपने मशीन परचेज की है, और इस पर जो अजाफी 1,000 रुपया स्पेंड किया है, यानी 10,000 ये, 1,000 ये आपका टोटल आ जाएगा 11,000। अब आपने 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन जब मालूम करनी है तो आपने दोनों पर मालूम करनी है, और दोनों की आप इकट्ठी वर्किंग भी कर सकते हैं या इधर ही कर सकते हैं कि ओल्ड मशीन पर डेप्रिसिएशन ले लें और न्यू पर डेप्रिसिएशन ले लें। जो पुरानी मशीन है उस पर जो डेप्रिसिएशन लेते हैं उसके लिए अमूमन हम वर्ड यूज़ करते हैं ओल्ड डेप्रिसिएशन, और जो नई है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे न्यू डेप्रिसिएशन। पूरा लफ्ज़ डेप्रिसिएशन लिख लें, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन,
यहाँ पर इसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे यानी 40,500 पर पुरानी डेप्रिसिएशन 10% महीने से ज़रा देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 12 महीने बंद हैं। आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4050 यानी 4050, और न्यू जो डेप्रिसिएशन आपने लेनी है वो आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 11,000 पर, यानी इस पर 11,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, और 10% के साथ मल्टीप्लाई जब आपने किया तो इसे मंथ से भी मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 जुलाई को परचेज की गई है, तो यहाँ से लेकर 31 दिसंबर तक जो आपके मंथ बनते हैं वो 6 महीने हैं, यानी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12, यानी जो साल के पूरे 12 महीने हैं आपको उनके साथ क्या करना पड़ेगा, तकसीम करना पड़ेगा, यानी हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 550। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड से यानी इस साइड से भी और इस साइड से भी, ये दोनों अमाउंट जमा करके चेक करनी है, ये दोनों जमा करके चेक करनी है, दोनों में से जो रकम बड़ी होगी आपने क्या करनी है वो इसके नीचे लिख लेनी है। जैसे कि इसे हम जमा करेंगे 51,000 बनता है, तो ये सिर्फ 4,000 समथिंग बनता है, तो ये आएगा 51,500, इधर भी आएगा 51,500, इन दोनों को ऐड करके आया है, तो इसमें से ये दोनों वैल्यूज आप माइनस करेंगे, यानी 51,500 में से आपने क्या करना है, ये वैल्यू जो है 4,050 और साथ 550 आपने माइनस करना है, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 46,900, ये आपका आ जाएगा बैलेंस कैरीड ऑन। अब नेक्स्ट ईयर इसी तरह चलेगा, 1/1/2011, यहाँ पर आपका आ जाएगा बैलेंस कैरीड ऑन, सॉरी बैलेंस ब्रॉड ऑन, कैरीड ऑन उधर से यहाँ ब्रॉड ऑन 46,900, फिर साल के एंड पे आप लेंगे डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर जब आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन आई बैलेंस के ऊपर, ये बैलेंस जो आया है ये दोनों मशीन्स का आया है, तो ये आएगा 46,900, इसका आपने 10% लेना है, तो ये आपको मंथ से ज़रूरत देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पूरे 12 माह ही बनते हैं, तो आपने इस पर डेप्रिसिएशन ली तो ये आ गया 4,690। अब दोनों तरफ से उसी तरह दोनों तरफ से आप देखें कौन सी रकम जो है वो बड़ी है, ये 46,900 इधर आ जाएगा, 46,900 इधर आ जाएगा, और 46,900 में से आपने 4,690 जो है वो माइनस करना है, यानी 46,900 में से आप जब माइनस करेंगे 4,690, तो आपकी आपका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 42,210, ये आपका आएगा बैलेंस कैरीड ऑन। ये 4 माह अभी कंप्लीट हुए हैं, आपने 5 मंथ का ये सॉरी 4 ईयर कंप्लीट हुए हैं, आपने 5 ईयर्स का ये जो है ना अकाउंट बनाना है, तो ये 5 ईयर का जो है ये यहाँ पर कंप्लीट करेंगे 5th ईयर का, ये आपका आ गया बैलेंस ब्रॉड ऑन 42,210, फिर 31 दिसंबर 2012 यहाँ पर आप लेंगे डेप्रिसिएशन। जब आपने डेप्रिसिएशन ली तो ये 42,210 यानी बैलेंस पर 10% आएगी, और जब आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो ये आ जाएगी 4,221, और आपने दोबारा क्या करना है कि दोनों तरफ से आपने जमा करके देख रहे हैं कौन सी रकम बड़ी है, तो ये देखें दोनों को कंपैरिजन किया तो ये जो रकम है ये बड़ी है, यानी 42,210, इधर भी आ रहा है 42,210। अब 42,210 में से आपने क्या करना है, 4,221 को आपने माइनस करना है, तो ये आपका बैलेंस आएगा 37,989, यानी 5वें साल के एंड पे जो आपका बैलेंस आएगा दोनों मशीनों का वो आएगा 37,989। अब आप देखें कि हमने 5 साल का जो अकाउंट बनाना था वो हमने बना लिया, और इसमें जो नई चीज़ थी वो क्या थी कि आपने पहले साल एक मशीन परचेज की, उसे 2 साल चलाने के बाद जब तीसरा साल आया तो आपने एक और मशीन जो है वो परचेज कर ली, तो जब परचेज करेंगे तो इसे भी वैसे ही केटर करेंगे जैसे कि पहली मशीन को किया था, पहली मशीन का बैलेंस वैसे ही आ रहा था, इस मशीन को आपने परचेज किया तो यहाँ पर आ गया कैश, और कैश क्या था कि आपने 10,000 की मशीन जो है वो परचेज की और साथ ही उस पर 1,000 जो है वो अजाफी खर्च किया,
उसको ऐड किया इसमें तो 11,000 बन गया। 11,000 के ऊपर आपने क्या करना था, 10% डेप्रिसिएशन इस पर भी लेनी थी। पहली मशीन पर भी डेप्रिसिएशन थी, वो ओल्ड डेप्रिसिएशन थी, उसकी वैल्यू थी 40,500, उसी तरह उस पर 10% दे दिया। और जो कैश था वो था 11,000 यानी न्यू मशीन का। न्यू मशीन पर आपने जब डेप्रिसिएशन ली 10%, तो उसके 6 माह बनते थे क्योंकि आपने उसे 6 माह के लिए इस्तेमाल किया, तो 6 से ज़रब दिया और 12 से आपने इसे डिवाइड कर लिया। जब डिवाइड किया तो आपकी वैल्यू जो आई वो 550 आई। अब आपने क्या किया, दोनों तरफ दो दो रकमें थी, एक ये थी और दो ये थी, दो ये थी, आपने दोनों को ऐड किया तो ये 51,500 बन रहा था, ये कुछ 4,600 बनता था, तो अब बड़ी रकम हुई 51,500। तो दोनों के नीचे वही आ गई। आपने जब यहाँ पर वो बड़ी रकम लिखी तो उसमें से ये दोनों रकमें जो हैं वो माइनस की, तो बैलेंस आपके पास क्या आ गया, 46,900। इसी तरह फिर आपने क्या किया, वो बैलेंस आगे चलाया, क्योंकि हम यहाँ पर जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, विच मीन्स दैट के रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस के ऊपर लेते हैं, तो ये आपके पास बैलेंस आ गया। तो आपने बैलेंस के ऊपर नेक्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन ली, फिर फोर्थ ईयर का जो बैलेंस आया फिफ्थ ईयर में, उसी के ऊपर आपने जब डेप्रिसिएशन ली तो आपका जो बैलेंस 5 साल के बाद आया तो वो आपका था 37,989। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और जो जब क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे तो आप जो है वो इजीली फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ फर्म परचेज सेकेंड हैंड ट्रक, यानी एक फर्म है उसने एक सेकेंड हैंड ट्रक परचेज किया है, कितने का, 50,000 का, ऑन 1 जनवरी 2010 को, एंड स्पेंड्स ₹20,000 ऑन इट्स ओवरहॉल, यानी सेकेंड हैंड था ना। तो जब हम सेकेंड हैंड कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई फॉल्ट है या कोई प्रॉब्लम है, उसे हम क्या करते हैं, सही करवाने के लिए उस पर पैसे कुछ लगाते हैं। तो ये जो ट्रक लिया गया ये 50,000 का लिया गया और उस पर 20,000 जो है वो खर्च किया गया, यानी कि हमें ये जो ट्रक पड़ा है वो कितने का, 50 प्लस 20,000 यानी 70,000 का पड़ा है। इससे हम सवाल जो है वो शुरू करेंगे। डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन 30 जून 2013 द ट्रक वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000। अब ट्रक जो है वो क्या कर दिया गया है, सोल्ड इस क्वेश्चन में, और कितने का, 30,000 का। प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट, आपने ट्रक अकाउंट बनाना है कि कहाँ से कहाँ तक, 2010 से लेकर टू 2013 यानी 2010, 12, 11, सॉरी 2010, 11, 12 एंड 13 यानी 4 ईयर के लिए आपने ये अकाउंट बनाना है। अज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में जो एक नई चीज़ आई है वो ये है कि हमने जो भी एसेट परचेज किया था वो हमने सोल्ड आउट कर दिया है। तो यहाँ पर हमने जो अकाउंट बनाना है वो किसका बनाना है, ट्रक का, क्योंकि हमने जो चीज़ परचेज की है हम उसी का अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पर ट्रक परचेज किया गया है तो ट्रक अकाउंट हम बनाएंगे। अब कहाँ से कहाँ तक, तो शुरू करते हैं पहले 1 जनवरी 2010 से। यहाँ पर आएगा 1 जनवरी 2010 और ये आ गया कैश, और कैश कितना था, 50,000 एक था जिसका हमने ट्रक खरीदा और उस पर 20,000 हमने अजाफी खर्च किए, तो ये बन गया 70,000, 70,000 का। और डेप्रिसिएशन हर साल वही साल के एंड पर, ये आ गया डेप्रिसिएशन, ये आएगा 70,000। 70,000 के ऊपर हम डेप्रिसिएशन जो लेंगे वो 10% लेंगे। मंथ से हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे 12 महीने बनते हैं। तो ये आपका आ गया 7,000, 70,000, 70,000 इधर भी आ जाएगा। अब 70,000 में से हम 7,000 माइनस करेंगे तो ये 63,000 जो है वो आपका बैलेंस आ जाएगा, यानी ये आ गया बैलेंस कैरिड। फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब भी साल ख़त्म होता है तो उससे नेक्स्ट डे जो होता है वो न्यू ईयर यानी 1/1/2011 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन,
63,000। अब जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो हमें पता है कि हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी हर दफ़ा बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लेंगे। 31, 12, 11 यहाँ पर आ गया डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया 63,000। इसका हम 10% लेंगे, तो 10% लेने के बाद ये जो वैल्यू आपको बनेगी 6,300 बन जाएगी डेप्रिसिएशन की। दोनों साइड पर हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, 63,000, 63,000। अब यहाँ से ये माइनस करेंगे 63,000 से 6,300, तो ये आपका बैलेंस आ जाएगा 56,700। ये आपका आ गया बैलेंस कैरिड ऑन। नेक्स्ट 11, 2012, ये आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,700 आ गया। अब आपने क्या करना है, फिर ईयर एंडेड 2012, यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन, वो आप आएगा 56,700 के ऊपर 10%, तो ये आ गया 5,670, 5,670, 5,670। अब आपने क्या करना है, 56,700 में से 5,670 जो है ये आपने क्या करना है, माइनस करना है, तो आपका बैलेंस आ जाएगा 51,030। ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ये आप फोर्थ ईयर 11, 2013, ये आपका आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,030। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो आप देखें कि हमने 2013 में जाकर ऑन 30 जून 2013 द ट्रक वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000। अब देखें आप कि ये कब सेल किया है, 30 जून को। अब हम जो डेप्रिसिएशन हर साल ले रहे हैं वो है 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर से पहले ही 30 जून आ गया, तो 30 जून को, यानी 30 जून को हमने क्या किया कि ट्रक को सेल कर दिया। अब आप देखें कि पहले 30 जून आती है या 31 दिसंबर आती है, तो ये डेफिनेटली 30 जून आती है, तो हमने क्या करना है, 30 जून वाला काम पहले कर लें। 30 जून को हमने क्या किया है, एसेट को सेल कर दिया। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने समझाया था कि हम जब भी डेप्रिसिएशन लेते हैं वो दो टाइम पर ले सकते हैं, एक साल के एंड पर ईयर एंडेड, और दूसरा हम जब भी कोई एसेट सोल्ड आउट करते हैं तो तब। अब हमने एसेट सेल कर दिया है तो पहले डेप्रिसिएशन लेंगे, और कब सेल किया है, 30 जून को, 30 जून 2013, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लेंगे, और डेप्रिसिएशन वो आ गई 1,030, इस पर लेंगे 10%, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6/12। ये क्यों, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 महीने बनते हैं, तो आपने 6 महीनों से ज़रब और 12 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 6 से मल्टीप्लाई और 12 से डिवाइड करने बाद 2,551.5, तो आप राउंड अप कर लें, यानी 2 भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जब हमने इसे सेल किया तो जब भी कोई एसेट सेल करेंगे ना, तो हमने ये भी देखना है कि हमें ये एसेट सेल करने पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस। अब आप, मैं यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन कर कर दिखाता हूँ, यानी वर्किंग है जो, वो क्या है। अब आपने एक एसेट था आपके पास, उसकी वैल्यू थी 51,030, आपने उसकी डेप्रिसिएशन जब 10% ली 6/12 के साथ, तो ये आपकी डेप्रिसिएशन आ गई 2,552। अब जब हमने पहले दिन डेप्रिसिएशन पढ़ा था, तो डेप्रिसिएशन का मतलब था वैल्यू कितनी कम हुई है, यानी किसी चीज़ की कितनी कीमत कम हुई है, कितनी चीज़ कीमत गिरी है। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो एसेट था इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 51,013। अब उसमें से ये वैल्यू कम हो गई है, तो जो चीज़ कम होती है उसे हम माइनस करते हैं, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने अपनी चीज़ की कीमत लेनी है 51,030 में से 2,552 जो है वो हम माइनस करेंगे। हम इसमें से अगर ये माइनस कर दें, यानी 51,030 में से अगर हम ये रकम माइनस करें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी
48,478, यानी पहले मशीन की और सॉरी ट्रक की कीमत इतनी थी, ये उसकी डेप्रिसिएशन ली, इतनी वैल्यू कम हो गई, अब इसकी वैल्यू इतनी है। लेकिन हमने जो इसे सेल किया है, अगर वो देखे तो आपने 30,000, यानी अब एसेट की कीमत जो थी वो कितनी थी, ट्रक की कीमत 48,478, लेकिन हमने इसे कितने का सेल कर दिया, 30,000 का, तो ये भी इसमें से माइनस कर देंगे। और अब हम देखेंगे कि एक चीज़ है उसकी कीमत है 48,000, लेकिन हमने उसे कितने का सेल किया, 30,000 का, तो ये डेफिनेटली हमें इस पर लॉस हो रहा है, और वो लॉस कितना है, 18,478 का, ये हमें लॉस हुआ है। अब हमने जो यहाँ पर एंट्री करनी है ना, तो वो क्या करनी है, एक तो हमने ये डेप्रिसिएशन की है, एक हम ये करेंगे यानी जितने का हमने सेल किया है और हमने पैसे लिए हैं। अब देखें, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, तो कैश इस तरफ आ गया। जब हमने एसेट जो है वो सेल किया है, तो इट मीन्स हमें पैसे आएंगे, हम पैसे लेंगे और एसेट दे देंगे, तो फिर हमारी कैश जो है वो इस साइड पर आ जाएगी, और वो कितनी है, 30,000। अब देखें कि आपको क्या हुआ है यहाँ पर, लॉस आपको यहाँ पर क्या हो गया है, लॉस हो गया है, तो ये है आपका लॉस। अब जब आपका लॉस होगा ना, तो ये भी कैश के साथ इस तरफ ही आएगा लॉस, और यहां पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आ जाएगा 18,478 यहां पर आ गया। अगर प्रॉफिट होता, ये अगर प्रॉफिट होता तो हम प्रॉफिट इस साइड पर लिखते, अब लॉस हुआ है तो लॉस इस साइड पर आएगा, तो हम क्या करेंगे, अब उसी तरह दोनों साइड से, अब जब दोनों साइड से आप करेंगे ना, तो 51,030, और इधर ऑटोमेटिक बराबर अगर आप इन्हें ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा, और अगर आप चाहें तो ये इधर लाएं, इसमें से ये माइनस करके रखें तो सिफर आएगा, जो आपने लिखना नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगर किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी दोनों क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकता है। मैं थर्ड क्वेश्चन जो है, यानी सेवन्थ क्वेश्चन जो है वो पढ़ देता हूँ, ताकि अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आपको पूछने का मौका मिल सके। अ फर्म परचेज ट्रक फॉर ₹80,000, अब ट्रक 80,000 का परचेज ऑन 1 जनवरी 2008 को, डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, कौन सा मेथड है, ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑन 30 जून 2011 द ट्रक वॉज सोल्ड फॉर ₹30,000, 30,000 का आपने ट्रक सोल्ड करें, बींग अनसिक्योर्ड प्रीपेड ट्रक अकाउंट आपने बनाना है 2008 से लेकर 2011 तक, यानी फोर ईयर के लिए, अज्यूमिंग दैट अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब आपने यहाँ पर मेथड जो इस्तेमाल करना है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इट मीन्स कि आपने हर दफ़ा डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लेनी है, यानी कैश पर लेनी है। स्टूडेंट्स, ये थे आपके तीन क्वेश्चन, और अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसके लिए आप क्या करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।